size leg piece. Leg piece. KFC style. Same KFC, inshallah. Spicy. Spicy chili. Vinegar. फिलहाल इसको जो है पानी में इस सब चीज़ों में भिगो के रखा जाएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे। बाकी सामान, बाकी चीज़ें बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह। चार घंटे बाद अरारोट, मैदा, बंद कर।
काली मिर्च, काला नमक, जीरा। सॉल्ट, स्पाइसी चिली पाउडर, अब इसके अंदर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बढ़िया करके कोटिंग करनी है मैदे के साथ और रोट के साथ मसाला मिला के, और उसको जो है पानी में इसमें डालेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर कोटिंग अरारोट वाटर, दोबारा फिर कोटिंग। जितनी अच्छी कोटिंग करेंगे उतनी इसके अंदर जो है क्रिस्पी आएगी KFC स्टाइल से। ये देखो ये, इसको पता लग दें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाते हैं हम फिंगर, थोड़ा सा स्पाइसी फिंगर, इसमें थोड़ा सा जो है हम पाउडर डालेंगे। सोने के बाद जो है इसको कोटिंग करेंगे, इसकी कोटिंग होगी। मैदा की कोटिंग होगी इसकी। जो चिकन का बचा हुआ जो मैदा था वो इन फिंगर में इस्तेमाल हो गया, वेस्ट भी नहीं हुआ और ये थोड़ा काम में आ गया। ये देखो पहले हम जो है इसको केएफसी स्टाइल पे पहले इसको जो है कुक करेंगे। तो पांच मिनट इसको चलो इसको और पाँच मिनट इसमें जो है सीटी मारेंगे इसके ऊपर। पाँच मिनट तक जो है इसको अंदर जो है ना कुकर के अंदर सीटी मारेंगे इसमें पाँच मिनट पर, जिससे क्या है गोश्त जो है इसका गल जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, जूसी बन जाएगा। उसके बाद फिर जो है सेकंड टाइम कढ़ाई में फ्राई करेंगे लास्ट फाइनली। पाँच मिनट हो गए हैं, अब गैस बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है इसकी स्टीम निकाल देते हैं। फाइनली स्टीम निकल गई है, अब कुकर खोलते हैं। निकाल देते हैं, कुकर छोटा है ना, अगर बड़ा कुकर हो सारे पीस एक साथ पड़ जाए, तो छोटे होने की वजह से जो है ये अभी है। वैसे अगर वन टाइम अगर इसको जो है कुकर बड़ा होता सारे पीस एक साथ लगाए थे हम, तो ये वन टाइम में जो है ना ये 10 मिनट में रेडी हो जाता तैयार। हम बाकी अब इसमें जो है हम बाकी के पीस भी डाल देते हैं, गैस चालू कर देते हैं। हमने बाकी के पीस इसके अंदर डाल दिए और इसको जो है
फिर बंद कर देते हैं। फिर इसको जो है 5 मिनट और करेंगे, उसके बाद में सेकंड टाइम कढ़ाई में इसको तैयार करेंगे कुकर छोटे होने की वजह से। पाँच मिनट की फ्राई है, 5 मिनट के बाद जो है अभी इन्हें कढ़ाई में फ्राई करेंगे। जो है तेल गरम करेंगे बहुत तेज़, और 4 से 5 मिनट इसके अंदर हम फिर दोबारा फ्राई करेंगे इसको। हमारी फ्राई जो है रेडी हो गई है। अब तेज जो है तेल गरम करके इसमें हम पीस डालेंगे। पाँच से छः मिनट तक इसको पकाएंगे,
देर रोटी के साथ